What's up guys, this is me, Sachin Singh Chauhan and guys, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा ट्रेपेजियस मसल्स के ऊपर, ये जिसको हम कॉलर मसल्स भी बोलते हैं। तो आज मैं आपको इनकी चार एक्सरसाइज बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आपके ट्रेपेजियस मसल के लिए या फिर आपके कॉलर मसल्स के लिए। इन चार एक्सरसाइज को आप आपके वर्कआउट रूटीन में ऐड करें ही करें, क्योंकि इनसे जो आपका ट्रेपेजियस मसल है वो पहले से ज्यादा बड़ा और ह्यूज दिखेगा और उसमें एक अच्छा साइज और एक शेप बिल्ड होगा। सो गाइस, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हम उन चार एक्सरसाइज की तरफ कि वो चार एक्सरसाइज कौन सी है। उनमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है आपकी बारबल थ्रक्स। बारबल थ्रक्स आपको हैवी करना है। उससे पहले आपको मैं जो भी एक्सरसाइज बताऊँ उसके आपको तीन तीन सेट करना है। रेपरेंज आपको 10-12 रखना है और आपको हैवी लिफ्ट करना है, लेकिन आपको सही फॉर्म और सही कॉन्ट्रेक्शन के साथ में इन एक्सरसाइज को ट्रेन करना है। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ट्रेपेजियस मसल में जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो है हमारे बारबल थ्रक्स। बारबल थ्रक्स को आपको हैवी लगाना है, इंटेंसिव वर्कआउट करना है। इंटेंसिव से मेरा मतलब है आपको इसको हैवी लगाना है, लेकिन सही फॉर्म और सही टेक्निक में लगाना है। देख लीजिए इसको कैसे करना है। आपको आपके शोल्डर जो होता है उससे वाइड इसको ग्रिप करना है। इसको आप वाइड ग्रिप करोगे, देन आप ग्रिप करने के बाद में हिप पीछे रखोगे चेस्ट पर, और आपके जो शोल्डर्स होते हैं आप सीधा इसको क्या करोगे, आप इसको कान तक लेके आओगे आपके शोल्डर्स को इस तरह से, देन रिलैक्स करोगे। ये मैंने ग्रिप किया, ये पोजीशन में आया मैं, देन यहां से मैं सीधा इसको शोल्डर से लोड लेके सीधा ऊपर खींचूंगा। और जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे तो आप ऊपर जब अपने शोल्डर्स भेजोगे, जब नीचे लेके आओगे तो आपको बिल्कुल कंट्रोल में आपके शोल्डर्स को नीचे लेके आना है। सो गाइस, इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी केबल क्रॉस से हम थ्रक्स करेंगे। केबल क्रॉस में आपको लेट पुल डाउन वाला ये हैंडल जो होता है वाइड वाला, ये ऐड कर देना है। ये हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमको इसको वाइड पकड़ना है, तो इसको हमने ऐड किया। इसको वाइड किया, वाइड कितना करेंगे, वाइडर देन शोल्डर, ये वाइडर देन शोल्डर किया। वही सेम पोजीशन, हिप पीछे चेस्ट अप, और इसको हम कान के पास लाने की कोशिश करेंगे हमारे शोल्डर को इस तरह से। देखिए छोड़ाओ, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। इस तरह से आप केबल क्रॉस मशीन पे लेग पुल डाउन वाला हैंडल लगा के आप ट्रेपेजियस मसल्स को ट्रेन कर सकते हो। ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज थी। सो गाइस, इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है स्टैंडिंग डंबल थ्रक्स। इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने स्टैंडिंग बारबल थ्रक्स किया था, सेम उसी पोजीशन में, और हैवी करेंगे सही फॉर्म और सही टेक्निक में इस तरह से। वन इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है सिटिंग वाली पोजीशन में डंबल थ्रक्स। उसको किस तरह से करना है देख लीजिए, और इसमें भी हम हैवी करेंगे लेकिन सही फॉर्म और सही टेक्निक के साथ में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। आपको हैवी डंबल लेने हैं, वही सेम पोजीशन, ये हल्का सा पीछे करेंगे, बॉडी आगे झुकाएंगे और आपके शोल्डर्स को सीधा कान के पास लाने की कोशिश करेंगे आप ऊपर इस तरह से। वन, मूवमेंट पूरा कंट्रोल में रहेगा। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड टेन। सो गाइस, ये थे हमारी चार एक्सरसाइज जो हमारे ट्रेपेजियस या कॉलर मसल्स के लिए थी। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा।
तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।